पार्ट गांव विराट के पापा मुंबई में नौकरी करते हैं। वह मुंबई के ही एक स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ता है वे मूल रूप से राजस्थान के एक गांव के निवासी हैं, लेकिन पापा की नौकरी के कारण उन्हें भी मुंबई में रहना पड़ता है कई बार मुंबई की भीड़ और प्रदूषण देखकर, जब उसका मन उचट जाता है तो उसका मन अपने गांव की ओर भागने लगता है विराट कई साल से अपने गांव जाने के लिए उत्सुक था लेकिन उसके पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती थी इसलिए उनका गांव जाने का कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था सौभाग्य से, जब उसके चाचा जी के लड़के के विवाह का निमंत्रण पत्र आया तो उसके पापा को गांव जाने के लिए तैयार होना पड़ा फिर तो उसकी मम्मी और दादी गांव जाने और विवाह में शामिल होने की तैयारी में जुट गए विराट के पापा ने अपने ऑफिस में छुट्टी ली वे लोग जयपुर तक रेलगाड़ी में गए उसके बाद बस द्वारा अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर विराट को बड़ा आश्चर्य हुआ पहले तो उसे लगा जैसे वह अपने गांव न आकर कहीं दूसरी जगह आ गया है आश्चर्य भी क्यों न हो अब तो उसके गांव का रूप ही पूरी तरह बदल गया था पहले वे 20 किलोमीटर पैदल या तांगे पर चलकर अपने गांव में पहुंचते थे लेकिन अब गांव तक पक्की सड़क बन गई है उस पर बस चलने लगी है गांव के अंदर गलियां भी पक्की हो गई हैं और उनके दोनों ओर पक्की नालियां बनी हुई हैं, जिनसे घरों का पानी बह जाता है अब गंदा पानी गली में इकट्ठा नहीं होता गाँव के लोग घरों का कूड़ा कचरा भी गाँव से बाहर एक स्थान पर डालते हैं उसके गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बन गया है उसमें एक डॉक्टर हमेशा रहता है अब साधारण रोगों के लिए रोगियों को शहर की ओर नहीं भागना पड़ता उनका इलाज यही हो जाता है महिलाओं के लिए भी एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है उसमें महिला नर्स महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी सलाह देती है गांव में एक डाक घर भी खुल गया है विराट के एक चाचा जी भी डाकघर में काम करते हैं। पहले विराट के गांव में कोई स्कूल नहीं था बच्चों को पढ़ने के लिए तीन से पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ता था अब तो उसके गांव में तीन स्कूल चल रहे हैं, लड़कियों का स्कूल अलग है विराट को उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसके बाबा भी शाम को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर पढ़ने जा रहे हैं वह भी उनके साथ वहां गया उसने देखा कि बाबा की उम्र के गांव के कई लोग वहां इकट्ठे हैं। अध्यापक महोदय ने पढ़ाने के बाद उन लोगों को खेती के संबंध में कई उपयोगी बातें बताई प्रौढ़ पर थोड़ी देर रुकने के बाद विराट अपने मित्र के साथ सहकारी बीज भंडार पर गया उसके मित्र ने उसे बताया कि यहाँ से गांव वालों को उन्नत जाति के बीज रासायनिक खाद कीटनाशक दवाइयां आदि सस्ते मूल्य पर दी जाती हैं। बीज भंडार के कर्मचारी ने विराट को उन्नत बीजों के बारे में एक पुस्तिका दी कुछ देर बाद विराट अपने मित्र के साथ घर लौट आया अगले दिन सुबह विराट घूमते घूमते रमेश चाचा के यहाँ पहुँचा उस समय रमेश चाचा अपनी गायों को चारा दे रहे थे विराट ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तो रमेश चाचा ने कहा खुश रहो मुन्ना अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए हो हाँ चाचा विराट ने उत्तर दिया जब गायों को चारा देने के बाद रमेश चाचा पास आए तो विराट ने पूछा चाचा ये जर्सी गाय कब लाए रमेश चाचा ने कहा पिछले साल गांव में विकास खंड की ओर से एक पशु मेला लगाया गया था उसी में मैंने इन गायों को खरीदा था विराट ने रमेश चाचा के ट्रैक्टर की ओर संकेत करते हुए पूछा चाचा इसे कब खरीदा रमेश चाचा ने उत्तर दिया बेटा पिछले साल ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज लेकर मैंने यह ट्रैक्टर खरीदा था ट्रैक्टर किसान के लिए बहुत उपयोगी होता है इससे खेत की जुताई हो जाती है सामान भी ढोया जाता है और थ्रेशर चलाकर फसल की मड़ाई भी कर ली जाती है पिछले साल सरकार ने गांव के पास में नलकूप भी लगवा दिया है उससे सिंचाई होती है और उसी का पानी नलों में आता है जिसे हम पीते हैं। अब तो यह गांव ही बदल गया है हाँ चाचा विराट ने कहा रमेश चाचा आगे बोले तुम तो जानते हो कि पहले हमारे गांव में कुछ नहीं था अनाज इतना कम होता था कि हम लोगों को खाने के लिए खरीदना पड़ता था कोई बीमारी होती थी तो सैकड़ों लोग बिना इलाज के मर जाते थे गांव में बस दो चार लोग ही पढ़े लिखे थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब इतना अनाज पैदा होता है कि हम उसे बेचते हैं। अब गांव में स्वास्थ्य केंद्र है स्कूल है हाँ चाचा विराट खुश होकर बोला अब तो गांव बहुत अच्छा हो गया है यहाँ शहर की सभी सुविधाएं उपलब्ध है मैं पापा से कहूंगा कि वे हर छुट्टी में यहां आ